So, all set for Delhi's conference? Delhi. Don't mind. तुझे बताया था ना? We have a meeting Delhi में. तुम्हारे पापा नहीं जा पाएंगे तो हमको जाना है संभालने. We have to go to India. मैं दिल्ली नहीं जा रहा. क्या मतलब? अरे सब कुछ प्लान हो गया. Everything is scheduled. विशाल टिकट बुक. भाई जा रहे हैं. And you know, he is the best. He'll figure. You mean Arjun? He's going. Well, that's good. But don't mind मेरे भाई. तू भी चलता ना साथ. विशाल, तू मेरे इंडिया ना जाने की वजह अच्छी तरह से जानता है. नहीं जाना है मुझे दिल्ली. अर्जुन भाई हैं, ही इज द बेस्ट एंड ही विल फिगर. आई मीन डोंट माइंड यू श्योर. विशाल, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट जूम मीटिंग. यस सर, आई लीव. सॉरी. नमस्ते. आओ. मैम देखो कौन आया. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. आप कहाँ चली गई थी कल? वो मुझे ना बहुत जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा. पर मिलवाना भी तो था आपको. कोई बात नहीं, मैं फिर कभी मिलूंगी पक्का. मम्मा देखो ना, मैम तो मिल ही नहीं पाए रोहन भैया से. रोहन. ये क्या कहा उसने अभी? रोहन? हाँ रोहन, वही उसका दोस्त. अब बेचारा देख नहीं सकता. डॉक्टर साहब आप यहाँ? हाँ मैं वो मेरा एक पेशेंट है. मैं उसके रूटीन चेकअप के लिए अक्सर यहाँ आता हूँ. ये आप अपने फ्रेंड रोहन को कब से जानती है? यही कुछ महीनों से. वो हमें ऊपर मोनेस्ट्री में मिला था और वहीं पर रहता भी है. नहीं सकते क्या? नहीं, उनकी आंखें नहीं है. उन्होंने अपनी आंखें किसी को दे दी. दे दी? किसको दे दी? एक राजकुमारी को. और वो राजकुमारी देख नहीं सकती थी. और भगवान की स्टोरी में रोहन भैया ने अपनी आंखें उस राजकुमारी को दे दी. और पता है उस राजकुमारी का नाम भी नैना था. कौन?
कौन पूछ रहे हो? बताओ मैं कौन हूँ? रोहन, मैं वो हूँ जिसका हक ना तुम पर तुमसे कहीं ज्यादा था। मैं वो हूँ जो आज तक सांस तो ले रही थी लेकिन जिंदा नहीं थी। तुम मुझे छोड़कर चले गए। किसने हक दिया तुम्हें मुझे छोड़ने का? हा? रोहन, आज ना मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। क्यों गए थे मुझे छोड़कर? इतना कमजोर प्यार था क्या हमारा? क्यों गए थे? तो क्या करता नैना, बोझ बन जाता मैं तुम पर? बोझ? तुम जानते हो बोझ किसे कहते हैं? बोझ क्या होता है ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। बोझ वो है जो तुम्हारी जुदाई ने मुझे दिया। बोझ वो है जो तुम्हारे जाने के बाद हर दिन, हर पल, हर सेकंड वो अकेलेपन का बोझ मैंने सहा है। रोहन, तुम जानते हो मैं आज जिंदा हूं ना, ये तुम्हें छूकर महसूस हो रहा है। आंखों के ऑपरेशन के बाद मैं सबसे पहले सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी। मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी रोहन, लेकिन तुम चले गए, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया मेरा? हाँ, तुम्हारा कभी दिल नहीं किया कि एक बार मुझसे आकर मिलो, मुझे सारा सच बताओ, या फिर प्यार से मुझे नैना म्यूजिशियन मैडम कहकर बुलाओ? तुम्हारा कभी दिल नहीं किया? रोहन, मुझे सूरज दिखाकर खुद अमावस के अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो गए। क्यों किया ऐसा रोहन? क्यों रोहन, क्यों? इस दिल में धड़कन थी, ये आज पता चला। जब मेरे यार को मेरा हाल पता चला। रोहन दे दिया ना सहारा नैना, इसीलिए तो मैं तुमसे इतनी दूर चला आया था नैना। सहारा तुम्हें नहीं दे रही हूँ, खुद को दे रही हूँ। तुम्हारा साथ मेरे जीने का सहारा है। तुम्हें पता है तुम ना बहुत बहुत मतलबी हो, बहुत मतलबी हो तुम। सिर्फ अपने बारे में सोचा ना तुमने, मेरा ख्याल नहीं आया, सिर्फ एक तरफा प्यार के बारे में सोचा, मुझे वहां अकेला छोड़ के चले गए। तुम्हें पता है मेरी हालत क्या थी जब मुझे पता चला कि तुम सोच भी सकते हो? रोहन, तुम बहुत बुरे हो, तुमने ना बहुत रुलाया मुझे। रोहन, प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज। मैं अब तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तुम प्लीज मेरे साथ चलो, बस बस चुपचाप मेरे साथ चलो। ये नहीं हो सकता है नैना। रोहन और नैना की कहानी ऐसी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती नैना। रोहन और नैना की कहानी कैसी होगी और कैसी नहीं, ये ना तो तुम तय करोगे ना मैं, ये ऊपर वाले ने पहले ही तय कर दिया है। और अब उस सच को कोई नहीं बदल सकता रोहन, तुम भी नहीं। नैना, नहीं नैना। चलो मेरे साथ। दिल भी मेरा खून।
जब ये सारे छोड़ के आए मेरे लिए, सारे बंधन तोड़ के मेरे लिए आए, जब ये सारे छोड़ के आए मेरे लिए, सारे बंधन तोड़ के। जिंदगी में रंग रौनक खुशियां भी लौट कर वापस आई हैं। मैं उसकी जिंदगी में दोबारा वापस आकर उससे ये सब छीन नहीं सकता। नहीं नैना, ये नहीं हो पाएगा। नैना रोहन, ये नहीं हो पाएगा। नैना सोच कर देखो, ये नहीं हो पाएगा। तुम कब तक मुझे संभालती रहोगी नैना? मैं कब तक गिरता रहूंगा? कब तक तुम पर बोझ बनता रहूंगा नैना? जो रंग, जो खूबसूरती, जो रौनक, जो खुशबू तुम्हारी जिंदगी में वापस आए, वो मैं तुमसे कैसे छीन सकता हूँ? रोहन प्लीज प्लीज बस करो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज जहाँ खड़े हो ना रोहन, कल मैं भी वही खड़ी थी। तो क्या तुमने मुझे छोड़ा? हाँ, मेरा हाथ पकड़ के ना 24 घंटे मेरे साथ रहते थे, आगे पीछे घूमते थे मेरे। तुमने तो मुझे 2 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ा। तुम चाहते हो मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चली जाऊं? तुमने मुझसे प्यार करना नहीं छोड़ा रोहन, मैं तुमसे प्यार करना कैसे छोड़ दूं? नैना प्रैक्टिकली सोचो नैना, पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे बाकी रह गई, ये मेरा क्या है नैना? मैं अभी जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं अभी यहाँ रह रहा हूँ, मैं कल को कहीं और रहूंगा नैना, लेकिन एक पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बाकी रह गई है। तुम अपनी जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकती, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, तुम्हें जाना होगा नैना। प्रैक्टिकली सोचो नैना, ये नहीं हो पाएगा ना। प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हो ना रोहन, प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हो ना? आज तक इतना सब कुछ होने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, इनके सामने खड़े हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है? रोहन प्यार में कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता। रोहन प्यार तो जीने मरने से बहुत ऊपर है ना। तुम्हारा साथ निभाने की बात है तो मैं इस जन्म में तो क्या रोहन, अगले 7 जन्मों में हंसते हंसते तुम्हारे साथ निभाऊंगी। और तुम्हें सहारा नहीं दे रही हो रोहन, सहारा खुद को दे रही हो, क्योंकि तुम्हारा साथ ना मेरे जीने का सहारा है। प्लीज इसे मुझसे मत छीनो रोहन। लब तुम हो, बात मैं हूं, अगर तुम हो तो ही मैं हूं। नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, कभी नहीं।
चले। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मेरा साथ ही काफी है। I hope the presentation is clear to you guys. We have investors and clients to cater. And also, we have a deadline. I hope everybody is on the same page now. Right? Wait. Rohit, are you okay? यार विशाल, ऐसा लगा जैसे मेरी कोई करीबी चीज मुझसे दूर चली गई। करीबी चीज? डोंट माइंड तू, फिर उन वादी और पहाड़ों में। अच्छा ओके फाइन फाइन। तू वो नई इंटर्न से मिलवाने वाला था कायम? हाँ, शी मस्ट बी ऑन हर वे।